हेलो यू ऑल, वेलकम टू द ट्रैवल फ्यूजन। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले इस साइकिल का, जो कि है प्रॉक की डिफिट की जो साइकिल है वो है, जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट में इसका बॉडी है एंड ये आपको दो वेरिएशन में मिल जाएगा। एक जो दूसरा वेरिएशन है उसका नेवी ब्लू है और ये जो है वाइट है, वाइट में है। और आप देखेंगे इसमें जैसे कि ये ट्राइबल पैटर्न में डिज़ाइन बना हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है और यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है फ्रॉक की। तो ये जो साइकिल है ये फुल साइज़ है और सिंगल स्पीड है, इसमें गियर नहीं है। तो दोस्तों हमको इसमें, इस साइकिल में ड्यूल डिस्क ब्रेक मिलता है, आप देख सकते हैं दोनों साइड में यहाँ पे डिस्क ब्रेक है। एंड साथ में ही एक्सेसरीज़ की अगर हम लोग बात करें तो एक्सेसरीज़ में हमको मिलता है ये बॉटल होल्डर एंड प्लस दिस बेल, दिस एंड बिसाइड दैट हमें रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं फ्रंट और बैक में, जो कि मैंने अभी निकाल के रख दी है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा काम के नहीं है। उसकी जगह पे मैंने ये टॉर्च डाल दिया है, अगर आप मॉर्निंग में राइड करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप राइड करते हैं तो ये टॉर्च आपके लिए बहुत काम आ सकता है। एंड ये जो है पीछे जो हम लोग ने रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है एलईडी लाइट वाला, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप हाईवे पर राइड करते हैं या फिर कहीं पर भी अर्ली मॉर्निंग या नाइट में राइड करते हैं तो आपको ये ज़रूर लगाना चाहिए अपने साइकिल में। तो ओवरऑल मैं अगर इसका समरी दूँ तो ये जो इसका चेसिस है बॉडी, इसका जो है आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलता है। जैसे ही आप इसको परचेस करते हैं तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और कंपनी की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है लाइफ टाइम वारंटी का, चेसिस का। तो दोस्तों इसकी जो बॉडी है ये है मेटल बॉडी है और काफ़ी लाइट वेट है। अगर आप कंपेरिजन करेंगे इस रेंज के साइकिल से तो इसका काफ़ी लाइट बॉडी है। एंड बिसाइड दैट इसका जो व्हील्स है ये जो है अलॉय व्हील्स है, रस्ट फ्री रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा लॉन्ग टर्म में। एंड एक्सेसरीज में जैसे मैं आपको बता रहा था, एक चीज़ बताना भूल गया था, ये जो सीट कवर है ये भी मुझे जेल कवर है, ये भी मुझे एक्सेसरीज में मिला हुआ है। मैंने काफ़ी इंसिस्ट किया जो साइकिल जिनसे ख़रीद रहा था, तो उन्होंने मुझे एक सीट कवर दे दिया साइकिल के साथ। और अगर प्राइसिंग की बात करूं तो साइकिल जो है हमारा 12,500 का साइकिल है। ऑनलाइन भी अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस जो है आपको 12,800 या फिर 13,500 के आसपास मिल जाएगा। बट अगर आपका कोई लोकल आपके पास है कांटेक्ट, लोकल जैसे कि लोकल कोई डीलर है, आप अगर उनसे लेते हो तो आपको ये सस्ते में गिर जाएगा, आपको 12,500 के आसपास गिर जाएगा। तो अगर साइकिल की बात करें तो ये जो है थोड़ा प्रीमियम साइकिल है, इसका प्राइस जो है इसी रेंज में थोड़ा महंगा है। अगर आप इसी जगह पे A1 का साइकिल लेते हैं 29 इंच का, तो आपको गिरेगा 10,500 के आसपास। ये जो साइकिल है ये 2,000 रुपये ज़्यादा है, इसमें आपको 12,500 का इसका प्राइस गिरेगा। तो फ्रॉक जो है ये श्रीलंकन इंटरनेशनल ब्रांड है, आप इसको ज़रूर परचेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा साइकिल है। मैं अभी इसको पिछले 2 हफ्ते से चला रहा हूँ, काफ़ी अच्छा ये रहा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कोई दिक्कत आई नहीं इसके। बट खाली में स्टार्टिंग में एक बात है, अगर आप इसको नया साइकिल ले रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा दिक्कत होगा पैडलिंग में, क्योंकि थोड़ा साइकिल खुलने को टाइम लगेगा, आपको हैवी पेडल्स लगेंगे थोड़े, अदरवाइज़ साइकिल जो है काफ़ी अच्छा है, यू कैन गो फॉर इट। तो 29 इंच का एक टायर है, ओके। तो आप देख सकते हैं इसमें हमको ये बॉटल रिफ्लेक्टर दिया हुआ है साइकिल में,